बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दही कोफ्ता बनाना बता रहे हैं कि दही कोफ्ता कैसे बनेगा, और कोफ्ते भी कीमे के साथ नहीं, बल्कि ये हमारे पास रखी है चिकन और ये बॉयल आलू। चिकन ये बॉयल और हमने इसको ग्रेट करके रख लिया है, और ये हमारे पास आलू हैं, इसे भी अब और मैश करेंगे। बॉयल्ड आलू हैं, इसको भी हम मैश कर लेंगे, दोनों चीज़ों को मैश करके। और फिर हम इसमें क्या क्या डालेंगे, हम इसमें जनाब डालेंगे थोड़ा सा, ये हमारे पास रखा हुआ है बॉइल्ड राइस पिसे हुए, बॉइल्ड राइस करके हमने मिक्सी में इसे पीस लिया है। और पीसने के बाद अब हम इसमें थोड़े से ये इसमें डाल देंगे और डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसमें ये डाल दिया, ये चावल है, इनको पीस लिया है हमने चावलों को, और ये इसमें डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे मसाले डालेंगे। मसाले हम कौन कौन से डालेंगे, देखिए मसाले हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये हमारे पास है काली मिर्च, ये हमारे पास है चाट मसाला, हरा धनिया, और ये है जनाब हमारे पास पुदीना। और हम इसमें एक और भी चीज़ डालेंगे, वो है हमारे पास पिसी हुई हरी चटनी। तो इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें हरा धनिया, पुदीना और लहसुन है, हरी मिर्च है, ये नमक है, नमक मैंने इसमें भी डाला हुआ है, बॉईल करते हुए भी डाला था, तो नमक आप हसबेज़ा का देख लीजिएगा, नमक और डाल लीजिएगा। तो ये हम इसको अच्छी तरीके से मैश करते हैं, मैश करके ये सब मसाले जो हैं हम इसमें मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद इसके बाउल बना के फ्राई करते हैं। ये हमने मैश कर लिया है, आलू चिकन और जो हमने पीस के चावल रखे थे ना, सब तीनों को मिला लिया हमने, और इसमें नमक ऑलरेडी डाल दिया हमने। अब इसमें हम कौन कौन से मसाले डालेंगे, जो भी आपको बताएं वो इसमें हम डाल देंगे। इसमें ये चाट मसाला है, और ये जनाब चिली फ्लेक्स, और ये काली मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, और ये पुदीना, सब मैं इसमें डालती हूँ और आपको बताती हूँ। ये मैं सभी चीज़ें इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया, अभी मिक्स करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मिक्स करके मैंने रख लिया ये सब कुछ, और इसमें ये डाल दिया हरी चटनी। अब मैं इसको सबको मिला लूँगी, मिलाने के बाद मिक्स अच्छी तरह सबको कर लूँगी, और फिर इसके बाउल बना के आपको दिखाऊँगी, और फिर उन बाउल्स को मैं फ्राई करूँगी और फिर दही में डालूँगी। ये हमने बाउल बना लिए हैं सारी सब चीज़ें मिला के आपस में, बॉयल्ड हमारे पास क्या चीज़ें, इसमें चावल हैं, बॉयल्ड चिकन है, और बॉयल्ड पोटैटो आलू, ये सब मिक्सचर हमने अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसमें तमाम मसाले जो बताए थे वो डाल के अब हमने ये बाउल बना लिए हैं इसके, ये बाउल बना लिए। अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फ्राई करने के लिए ये हमने ऑयल रख दिया है, और अब इसमें हम ये फ्राई पैन में ये डाल देंगे बॉल, ये फ्राई करके, और हम क्या करेंगे इसे दही में डालेंगे, इन बॉल को हम डालेंगे दही में, और ये हमारे पास कोफ्ता दही तैयार हो जाएगा। देखेंगे हमारे पास बॉल जो है तकरीबन तैयार हो गया, अभी इसे हम और थोड़ा सा गोल्डन करके फिर इसे दही बना के उसमें डालेंगे। ये देखें तकरीबन ये कोफ्ता जो है तैयार हो गए हैं हमारे पास, अब हम दही तैयार करते हैं और उसमें डाल के आपको बताते हैं। ये तकरीबन हो ही गए हैं, देखें कितने अच्छे गोल्डन हो गए हैं, और हम ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया हमने, चाय को फ्राई किया, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, है ना, कितने अच्छे तैयार हो गए। ये दही कोफ्ता हमारे पास तैयार है, और मैंने कैसे तैयार किया आपको बता दिया मैंने। दही में मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, हरी चटनी डाली है दही में, और मैंने इसमें ज़ीरा और काली मिर्चें, नमक, ये चीज़ें दही में डाली हैं, और इसको मैंने इसमें जो कोफ्ते मैंने तैयार किए थे चिकन और पोटैटो के, वो इसमें डाल दिए मैंने। अब इसको हम गार्निश कर लेते हैं, चलें। अच्छा, चटनी में जो है ना हरा धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें, नमक और हरी मिर्च, ये सब चटनी में था, वो मैंने दही में मिला लिया है। ठीक है, और मैं इसमें क्या करती हूँ,
ये देखिए, ये मैंने इसको गार्निश कर दिया है और ये आपके सामने है। चलिए मैं और थोड़ा थोड़ा सा इसको करती हूँ। थोड़ा सा केचप इसमें लगा देती हूँ। चलो ठीक है, ये हरा धनिया ऊपर से मैंने डाल दिया है, चाहे तो बारीक सी हरी मिर्ची काट के भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास दही कोफ्ता तैयार हो गया है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।